नमस्कार श्रोताओं, मुख्य प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं विभाष कुमार झा। केंद्रीय गृहमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने आज जांजगीर में विजय संकल्प शंखनाद रैली को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार का लोकसभा चुनाव देश का भविष्य तय करने वाला चुनाव है, साथ ही भारत को पूर्ण विकसित देश और विश्वगुरु बनाने का चुनाव भी है। जांजगीर की रैली में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विश्वास जताया कि आगामी लोकसभा चुनाव में प्रदेश के सभी 11 सीटों पर भाजपा को मतदाताओं का समर्थन प्राप्त होगा और वह जीत हासिल करेगी। अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कोंडागांव में पार्टी की लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक ली। बैठक में उन्होंने संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से आगामी लोकसभा चुनाव पर चर्चा की। राज्य सरकार ने सरगुजा जिले के मणिपुर थाना क्षेत्र में 2 वर्ष पहले हुई एक किशोरी की हत्या के मामले में पुलिस महानिरीक्षकों के दल द्वारा जांच कराए जाने की घोषणा की है। आज सदन में कबीरधाम जिले से संबंधित साधराम हत्याकांड के संबंध में गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि इस घटना के आरोपियों के कश्मीर से संपर्क होने के संकेत मिले हैं, इसे देखते हुए आवश्यकता पड़ने पर उपयुक्त एजेंसी से जांच कराई जाएगी। प्रदेश में 33,000 शिक्षकों की भर्ती की तैयारियां तेज हो गई हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद SCERT को जल्द TET परीक्षा आयोजित कराने के निर्देश दिए हैं। ये परीक्षा SCERT के निर्देश पर व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा ली जाएगी। जैव ईंधन और जैव ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में कल से किसान मेला और कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। कृषि मंत्री रामविचार नेताम इस मेले का उद्घाटन करेंगे और रायपुर के शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय के अस्पताल में करीब 1,500 बच्चों को स्वर्ण प्राशन कराया गया। इस अवसर पर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ लवकेश चंद्रवंशी ने बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया। ये थे अब तक के मुख्य प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।